नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। हरियाणा विशेष में सबसे पहले बात करेंगे मोदी कैबिनेट के सबसे बड़े विस्तार की। जी हां, मोदी कैबिनेट में 43 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 33 नए चेहरे हैं और कुल 43 मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि कौन से वो 43 मंत्री हैं जिनको जगह मिली है। ये हम आपको बता रहे हैं, ये लिस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं यही वो 43 मंत्री हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे और यही वजह है कि बड़ा इनाम उनको दिया जा रहा है। वीरेंद्र कुमार शामिल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़ा नाम सूची में, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव शामिल है। इसके अलावा पशुपति पारस एलजेपी की तरफ से उन्हें भी शामिल किया गया है। किरण रिजिजू को यहां पर प्रमोशन दिया गया है। राजकुमार सिंह का नाम है, हरदीप सिंह पुरी शामिल है, मनसुख मांडविया शामिल है, भूपेंद्र यादव, देखिए संगठन में लंबा काम उन्होंने किया, बड़ा इनाम उनको दिया गया। पुरुषोत्तम रूपाला शामिल है, जी किशन, अनुराग ठाकुर, पंकज चौधरी का नाम भी सूची में शामिल। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, देखिए उत्तर प्रदेश से ओबीसी का बड़ा चेहरा, एसपी बघेल इसमें शामिल है, राजीव चंद्रशेखर शामिल है, शोभा कारण दिलाजी भी शामिल है, दर्शना जरदोश का नाम है, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर। आपको बता दें ये तमाम वो लोग जो सूची में शामिल है। इसके अलावा अजय भट्ट का नाम भी है, बीएल वर्मा भी हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, अजय कुमार हैं, चौहान देव सिंह हैं। इसके अलावा जो सूची हम आपको दिखा रहे हैं वो यहां पर खत्म नहीं होती है, भगवंत खुबा का नाम भी इसमें है, कपिल पाटिल, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भगवत कराड़, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, विश्वेश्वर टूडू का नाम भी शामिल है। तो वहीं शांतनु ठाकुर भी हैं सूची में, महेंद्र मुंजपुरा हैं, जन बाड़ला हैं, एल मुर्गन हैं। इसके अलावा भी हम आपको एक एक कर इन 43 मंत्रियों के नाम बता रहे हैं। नारायण राणे ने सबसे पहले आपको बता दें कि शपथ ली है मोदी मंत्रिमंडल का। जातीय समीकरण भी समझिए, बहुत महत्वपूर्ण, ओबीसी मंत्री 27 इसमें शामिल किए गए, 12 एससी मंत्री हैं, एसटी मंत्री 8 हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अल्पसंख्यक 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है, तो जो सूची है वो खत्म नहीं होती, क्योंकि महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए 11 मंत्री पद की शपथ लेती हुई 11 महिला। तो मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले कई बड़े मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, जिनमें कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का नाम सबसे पहले है, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस्तीफा दिया। इन चारों के पास ही बड़े मंत्रालय थे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वो कौन से मंत्री हैं जिनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई है। देखिए, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन, इनकी भी छुट्टी कर दी गई। स्वास्थ्य मंत्री, देखिए सरकार पर कई सवाल उठे थे कोरोना के दौरान, बड़ा एक्शन। रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री, इनकी भी छुट्टी कर दी गई है। देवोश चौधरी की भी छुट्टी कर दी गई है। तो इन तमाम मंत्रियों के नाम हम आपको बता रहे हैं जिनका एग्जिट हो चुका है मंत्रिमंडल से। सदानंद गौड़ा, बड़ा नाम। इसके अलावा संतोष गंगवार, इनकी भी छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा इस सूची यहीं खत्म नहीं होती, संजय धोत्रे, इनसे भी इस्तीफा मांगा गया और इस्तीफा संजय धोत्रे को देना पड़ा। थावरचंद गहलोत, बहुत बड़े शख्सियत हैं राजनीति के, उनको भी यहां पर इस्तीफा मांगा गया। इसके अलावा बाबुल सुप्रियो, इनकी भी छुट्टी हुई है। प्रताप सारंगी, इनकी भी मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा रतनलाल कटारिया भी एक बड़ा नाम, जिनके मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर, देखिए बहुत बड़ा चेहरा, राजनीतिक गलियारे में जानी मानी हस्ती, उनकी भी छुट्टी हो गई है। तो ये सूची हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, इन मंत्रियों को एग्जिट यहां पर दे दी गई है। तो वहीं कैबिनेट विस्तार में हरियाणा की भागीदारी पर भी सबकी निगाहें टिकी थी और इससे जुड़ी बड़ी खबर तब सामने आई जब केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे रतनलाल कटारिया के इस्तीफा उनको दे दिया गया। हरियाणा कोटे से अब सिर्फ 2 मंत्री ही केंद्र में हैं। अब कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह ही केंद्र में हरियाणा की भागीदारी का प्रतिनिधित्व करेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार और संगठन के समन्वय को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश को लेकर
हर महीने बैठक की जाती है और इन बैठकों के माध्यम से सुझाव दिए गए और फीडबैक्स भी लिए जाते हैं। सीएम ने साथ ही कहा कि सरकारी योजनाओं को कैसे लागू करना है इसे लेकर बात की गई, जैसे मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना में 37,000 परिवारों की लिस्ट तैयार करके डिपार्टमेंट को दी गई है, उन्हें फील्ड के अंदर सर्वे और रिव्यू के लिए भी हम काम कर रहे हैं और इनकम वेरिफिकेशन के लिए भी हमने संगठन की टोलियों में सहयोग मांगा है। सीएम ने साथ ही कहा कि माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट को ज्यादा कामयाबी मिली है, पानी का प्रबंधन ठीक होगा तभी खेतों तक पानी पहुंचाने का टारगेट पूरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, स्वामित्व योजना से लोग प्रसन्न हैं, लाल डेरा खत्म होने और लोगों को जमीन का मालिकाना हक भी मिल रहा है जिसका अच्छा फीडबैक भी लगातार मिल रहा है। सारी कुछ योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को भी हम फील्ड में कैसे लागू करना है और कैसे बढ़िया उसके रिजल्ट निकालने हैं ये भी संगठन के लोगों को बताते हैं। वो भी आज मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, जैसे अभी हमारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार समृद्धि योजना, इस योजना को लागू करने के लिए अभी जो सर्वे चल रहा है उसमें लगभग 37,000 परिवारों की एक लिस्ट ये तैयार करके हमने डिपार्टमेंट्स को दे दी है, वो लिस्ट इनको भी भेजेंगे ताकि कौन व्यक्ति किस योजना का लाभ उठा करके अपनी आय को बढ़ा सकता है। हमने घोषित किया है कि ऐसे 1,00,000 परिवार उनकी न्यूनतम आय जिनकी 1,00,000 से कम है उनकी 1,00,000 आय सुनिश्चित की जाए, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। तो कई डिपार्टमेंट्स के कई योजनाएं वो सब हैं, इनको सब दी गई हैं। व्यायामशालाएं लगभग 700 व्यायामशालाएं ऐसी या तो पूरी हो चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं, ऐसे 700 व्यायामशालाओं को भी वो लोग जो है वो काम करेंगे। एक प्रोजेक्ट माइक्रो इरीगेशन का है, उस माइक्रो इरीगेशन के प्रोजेक्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले क्योंकि पानी जितना है उसका प्रबंधन ठीक हो तभी हम जा करके अपना जो हमारा टारगेट है कि हर खेत को पानी ये पहुंचाने का हमारा टारगेट है। प्रदेश का एक भी एकड़ ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके अंदर पानी नहीं पहुंचा सके। तो जहां पानी उपलब्ध नहीं है वहां माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई होगी तो सबको हम पानी जो है उपलब्ध करा पाएंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। बहुत सी योजनाएं जो है बहुत अच्छी योजनाएं नीचे चल रही हैं, जैसे स्वामित्व के बारे में, जैसे बीच में आया विषय कि लाल डोरा समाप्ति के बाद जिनकी हमने रजिस्ट्रियां करके दी हैं सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं और एक प्रकार से पार्टी का सरकार का वो धन्यवाद करते हैं। ऐसे हमने 20 वर्ष से ज़्यादा जिनकी मलकियत शहरी प्रॉपर्टीज की वो जो योजना बनाई है इसके लिए भी वहाँ लोगों में एक अच्छा जो है फीडबैक है, उसमें भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, उसमें कराएंगे। जो कॉलोनीज अभी अनऑथराइज थी उनको रेगुलर करने की जो हमारी स्कीम है उस पर भी लोगों की राय वो हमें मिली है कि बहुत फीडबैक अच्छा है। जो समस्याएं हैं उनको सबको समाधान करके हम एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं और उनमें सब में पार्टी अपना योगदान करे और पार्टी की जो भूमिका है वो सक्रिय हो, इस नाते से सारी चर्चा की गई। तो वहीं तीनों कृषि कानूनों पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, तीनों कानूनों से किसानों और व्यापारियों दोनों को फायदा होगा। जो बात हम कहते हैं वही उन्होंने कही है, उसमें कौन सी दो बड़ी बात है। आखिर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि राजनीति है इसके पीछे, तो राजनीति से प्रेरित होकर के और वो इस अभियान को चलाए हुए हैं, इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी उनका सरोकार नहीं है और किसान तो आज भी इस नए कानून को अच्छा मानता है। आज इस विधायक दल की बैठक में भी कई विधायकों की ओर से विषय आया कि नए कानून यदि लागू होते हैं तो उसमें ये लाभ व्यापारियों को भी और किसानों को भी होने वाले हैं जिसकी किसान मांग कर रहे हैं। खास करके जैसे मंडी की मार्केट फीस है, मार्केट फीस बाहर जो सामान बिकता है आज पुराने कानून के हिसाब से तो उस पर भी मार्केट फीस लगेगी, लेकिन अगर नए कानून लागू होते हैं तो मंडी से बाहर कोई भी चीज़ बिक्री होती है उसका कोई पूछताछ नहीं होगी, उसका कोई फीस नहीं लगेगी। तो आज हमने फीस जो कम की थी पहले बासमती जैसे चावल के ऊपर उसको दोबारा से हमको 4% इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कानून जो है नए लागू नहीं हुए। हम भी चाहते हैं नए कानून का ठीक से वो लोग समझें उसका क्या उसका उपयोग है और किस प्रकार से लाभकारी है, वो अगर समझेंगे और उसका नए कानून की तरफदारी करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को भी और व्यापारियों को भी सबको लाभ होगा। पंचायत चुनाव के बारे में सब लोगों ने कहा कि हाँ इस समय करा लेने चाहिए, वातावरण ठीक है, लेकिन उसमें चूंकि कोर्ट के केस की कुछ एक दो चीज़ें हैं जो 22 अगस्त को जैसे मैंने बताया उस पर सुनवाई है, 22 अगस्त को कोर्ट अगर उसका फैसला कर देता है तो उसके तुरंत बाद चुनाव कराया जाएगा। देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस की तरफ से बढ़ती महंगाई के खिलाफ अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों में कांग्रेस के बड़े नेता और स्थानीय नेता सरकार के खिलाफ रोष जताकर महंगाई को कम करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही, इस सरकार के राज में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आलम तो यह है कि आज आम नागरिक महंगाई की मार से बहुत ज्यादा परेशान है, हर वर्ग सरकार से बेहद दुखी है। ये पांच बड़ी तस्वीरें सिरसा, करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जमकर हंगामा बोला। तो वहीं देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में हांसी में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कुमारी शैलजा बैलगाड़ी पर बैठी और गैस सिलेंडर और मिट्टी के चूल्हे को रखकर शहर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का ये प्रदर्शन जींद चौक से शुरू होकर बढ़ती गेट पर खत्म किया गया। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। खाद्य पदार्थों समेत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि होने से जनता में रोष है। पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला और फिर स्टेट लेवल पर हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब जब ये सरकार, ये निकम्मी सरकार जन विरोधी कार्य करती रहेगी, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर इनकी गलत नीतियों का विरोध करेगी। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से एलपीजी की कीमत बढ़ती चली जा रही है, सब्सिडी मिल नहीं रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत हर रोज बढ़ती चली जाती है, महंगाई आसमान को छू रही है, ना गरीब आदमी को राहत है, ना आम आदमी को, मिडिल क्लास को, किसी को राहत नहीं है। किसान मजदूर सड़कों पर खड़ा है, हमारे युवा को रोजगार नहीं है, सबका कार्य ठप होता चला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इन बातों को लेकर आज सड़क पर उतरी हुई है। तेल और गैस की कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं से संवाददाता अमर सिंह ज्ञानी ने खास बातचीत की। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज पूरी कांग्रेस प्रदेश भर में हल्ला बोला है। इसमें हम मौजूद हैं सिरसा के सुभाष चौक में, जहां महिलाएं ने अपने विशेष रूप से प्रदर्शन किया। आप देख सकते हो कि हाथों में थालियां चम्मच लेकर बजाई जा रही है। साथ में सिलेंडर की बात करूँ तो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर भी यहाँ रखा है। सभी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, हाथों में तख्तियां लिए हुए, चम्मच लिए हुए। सबका कहना है कि जिस प्रकार से लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, इसका कारण केवल और केवल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें। मेरे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करना चाहूंगा। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, आप आज प्रदर्शन को मेरे तरफ क्या करना चाहोगे? आज सिरसा महिला कांग्रेस ने ये प्रोग्राम किया है, क्योंकि हर चीज के मोदी सरकार ने रेट बढ़ा दिए हैं। दाल देखो 70 थी, 120 रुपए किलो हो गई है। आम आदमी का जीना दुब्बर हो गया। आए दिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि पेट्रोल डीजल के रेट 100 से ऊपर हो गए हैं। कई राज्यों में 107 रुपए हो गए हैं, जिससे कि आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। कुछ महिलाएं और भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप महिला, सिरसा महिला कांग्रेस ने ये निश्चय किया कि यह मोदी सरकार अपने रेट वापिस ले, जिससे कि आम लोगों को राहत मिल सके, खाद्य पदार्थों के रेट सुनिश्चित किए जाएं और उन्हें कम किया जाए, जिससे कि गरीब व्यक्ति अपनी दो वक्त की रोटी खा सके। तो इनकी कुछ मांगे हैं भी कि खाद्य वस्तुएं जो है, पदार्थ, उनके दाम किए जाए। आप क्या करना चाहते हैं, जितने महंगाई बढ़ रही है क्या करना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आजकल महंगाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल गरीब जनता है, उनके हालात इतने बुरे हो चुके हैं, ना वो खाना खा सकते ढंग से, और जो उनको गैस सिलेंडर की आदतें डाल चुके हैं, वो अब चूल्हा भी नहीं मचा सकते। और जिस वजह से सिलेंडर के जो सब्सिडी थी वो भी बंद कर दी गई है, और जिस वजह से जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। और मैं यही चाहती हूँ कि ये सरकार गिरनी चाहिए और नई सरकार बननी चाहिए, जो कांग्रेस की हो। तो आपने देखा महिलाओं में किस तरह का आक्रोश, कुछ महिलाएं और भी है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, इतनी महंगाई के अंदर गरीब आदमी क्या करेगा? मोदी ने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया। इतना सिलेंडर महंगा कर दिया, इतना पेट्रोल महंगा कर दिया है, गरीब आदमी क्या करेगा? तो देखा आपने कि किस तरह महिलाओं में इस बात को जो लेकर गुस्सा है, आप क्या करना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी सरकार को ये अपने रेट वापस लेना चाहिए और जो गरीब आदमी आम आदमी का चूल्हा नहीं जल रहा, गैस की कीमत बढ़ा दी गई है, इनकी कीमत को वापस लो और मोदी सरकार अपने पेट्रोल डीजल के रेट वापस करे और आम जनता की जो स्वेच्छा में राहत बढ़ाए। तो ये सब आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं में रोष है, उनका कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल और गैस रसोई गैस की कीमतें बढ़ी है वो तुरंत मोदी सरकार वापस ले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद के जिस खोरी गांव को तोड़ने की कोशिश की जा रही है वो पूरा गांव अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है। इस गांव में करीब 6,500 मकान हैं जिन्हें निगम अब तोड़ने जा रहा है। इसके लिए निगम ने तमाम तैयारियां भी कर ली हैं, लेकिन ऐसे में खोरी गांव के ग्रामीण पहले पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। गांव खोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को करीब एक महीना हो चुका है। 6 हफ्ते का वक्त इस गांव को तोड़ने के लिए नगर निगम को दिया गया था, अब 2 हफ्ते का वक्त केवल बचा है और इस बीच में नगर निगम की तरफ से गांव खोरी को तोड़ने की कोशिश की जाएगी और लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। हम आपको दिखा देते हैं उस गाँव खोरी की तस्वीर, आप साफ तौर से ये पूरी तस्वीर आप कैमरे में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये वही खोरी गांव है जो अरावली पहाड़ियों के बीच में, यहाँ ये मकान बने हुए हैं। करीब अगर मकानों की बात करें तो जो सर्वे के अनुसार 6,500 मकान हैं, हजारों की संख्या में यहाँ लोग रहते हैं, आबादी बड़ी एक आबादी है। लेकिन ये जो बड़ी आबादी है इसका साफ तौर से कहना है कि उन्होंने जब इन मकानों को इस जमीन को लिया था तो उन्हें बाकायदा इस बात को लेकर झांसा या वादा किया गया था कि ये मकान कभी नहीं टूटेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। चूंकि नगर निगम को 2 हफ्ते के अंदर अंदर कार्रवाई भी करनी है तो अब इस ये जो आप तमाम पक्के मकान देख रहे हैं इन मकानों को अब यहां से तोड़ा जाना है। हालांकि बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है नगर निगम के अधिकारियों के लिए, चूंकि पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को यहां से समझाकर पहले इन मकानों को खाली कराया जाए, लेकिन लगातार जो लोग हैं वो साफ तौर से पंचायतें कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर कर रहे हैं कि पहले उनको मकान तोड़े जाने से पहले दूसरी जगह कहीं शिफ्ट किया जाए। और इसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से भी लगातार सरकार पर इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि इन तमाम लोगों में से एक सर्वे कराया जाएगा और जो हरियाणा के रहने वाले हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स हरियाणा के हैं उनको JNRUM के तहत मकान दिए जाएंगे। चूंकि डौआ कॉलोनी और जवाहर कॉलोनी की तरफ पहले से ही ऐसे मकान बनाए गए हैं जो गरीबी रेखा से नीचे लोगों को लिए दिए जाने हैं, तो अब देखना होगा कि खोरी ये जो आप देख रहे हैं पूरी तस्वीर खोरी गाँव की, इन मकानों को ढहाए जाने से पहले क्या इन लोगों को मकान दिए जाएंगे या पहले इन मकानों को तोड़ा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। और लोगों की चिंताएं इस बात को लेकर अब बढ़ गई हैं क्योंकि जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नगर निगम को करनी है, तो लोगों की चिंताएं इस बात को लेकर बढ़ रही हैं कि अब उन्हें मकान मिलेगा या नहीं, या फिर उन्हें ये मकान खाली कर जाना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोगों का यहां तक भी कहना है कि वो मकानों को खाली नहीं करेंगे चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। तो अब स्थिति इस तरह की हो गई है लोगों के लिए कि वो अब यहां से जाएं तो जाएं कहां। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और अब खबर रेवाड़ी से, जहां पर ट्रैक्टर रैली निकाल भारतीय किसान यूनियन और 52 84 के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर बैठे किसानों को अपना समर्थन दिया। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक MSP पर कानून नहीं बनता और 3 काले कानून वापस नहीं ले लिए जाते धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के व्यापक प्रबंध किए गए और वाहन चालकों को असुविधा न हो इसके लिए रूट्स को भी डायवर्ट किया गया। धरना स्थल पर पहले से मौजूद किसान नेता योगेंद्र यादव ने किसानों को समर्थन देने पहुंचे 52 84 के लोगों का भी आभार व्यक्त किया। खबर अंबाला से, जहां पर इन दिनों जमकर अवैध निर्माण हो रहा है। शहर में कई जगह बिना नक्शा पास करवाए धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी है, लेकिन संबंधित विभाग कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। पालिका विहार में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर 30 से ज्यादा शोरूम बिना नक्शा पास के बनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर ये शोरूम बनाए जा रहे हैं उसकी कीमत करोड़ों में है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि निगम ने जिन शोरूम पर सील लगाई थी उनमें ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। बाहर से भले ही निगम ने शोरूम सील जरूर कर दिए हैं, लेकिन अंदर अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है।
तो वहीं दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह यह अवैध निर्माण करवाया जा रहा है, निगम कार्यालय से दूरी महज इसकी 50 मीटर है, लेकिन फिर भी लोग बिना किसी डर के अवैध निर्माण कर रहे हैं। अंबाला के पालिका विहार के अंदर अवैध निर्माण जोरों पर है। हालांकि नगर निगम की तरफ से यहां पर सीलिंग की कार्रवाई भी की जाती है, नोटिस जो है वो भी चस्पा किया जाता है, लेकिन बावजूद उसके यहां पर जो काम है वो लगातार चल रहा है। जो लेबर है वो यहां पर हमें देखकर भाग जाती है, जो लगता है कि ये काम काफ़ी रसूख वाले लोग हैं, तभी जो नगर निगम है वो इस ओर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये जो सीलिंग की कार्रवाई है यहाँ पर नगर निगम की तरफ से बकायदा की गई है, और ये सीलिंग किस तरीके से की गई है वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये सिर्फ खानापूर्ति ही दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि जो सामान है वो किस तरीके से यहाँ पर है, और जो लेबर है वो हमें देखकर यहाँ से भाग गई है, क्योंकि सीलिंग के बावजूद यहाँ पर काम चल रहा था और सामान आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ा है, और जो लेबर है वो भी यहाँ पर अंदर मौजूद है। यानी जो पूरा खेल है वो नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। अगर यही जो काम किसी आम आदमी के द्वारा किया जाता तो शायद इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती कि जो सीलिंग के बावजूद यहाँ पर काम होता। जो लेबर है वो आप अभी भी अंदर देख सकते हैं कि सीलिंग के बावजूद यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो लेबर का काम कर रहे थे यहाँ पर, वो अभी भी यहाँ पर डटे हैं। इस मामले के अंदर सीधी सीधी लापरवाही नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी दिखाई देती है, क्योंकि इस मामले के अंदर बाकायदा FIR बनती थी, लेकिन अभी तक जो यहाँ के मालिक हैं इस बिल्डिंग के, जो यहाँ पर शोरूम बनाने का काम कर रहे थे, बिना नक्शे के काम सारा कुछ चल रहा है। अगर यही काम किसी आम आदमी के द्वारा किया जाता है तो सीलिंग होती है, बाकायदा FIR दर्ज होती है, लेकिन इस मामले के अंदर जो नगर निगम अधिकारी हैं उनका रवैया कहीं ना कहीं ढीला दिखाई दे रहा है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा, अंबाला। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।